साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप इस समय देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीच साला यूट्यूब चैनल, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीच साला टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन जरूर कर लें ताकि वहां पर जो भी अपडेट हमारी आती है वो आपको मिलती रहे। यहाँ पर आप बात करते हैं हार्टोन एग्जाम को लेकर, और देखिए इससे पहले वीडियो बनाए मैंने 15 मिनट का, उसमें साउंड नहीं आई, पर दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, तो ये लाइक और शेयर जरूर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद आपको मेरे से कोई सवाल करने की जरूरत नहीं रहेगी, पूरा वीडियो देखना है। हार्टून की भर्ती की 29 सितंबर लास्ट डेट है, और यहाँ पर 12th पास होना चाहिए आपका, एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा हो, 12वीं में 50% नंबर हो, अगर 12वीं में 50% मार्क्स आपके नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ, ठीक है, और या आपके पास 10वीं पास हो, साथ में आपके स्टेनो का डिप्लोमा हो, या आपके पास कोई भी 3 ईयर डिग्री हो, 3 साल का जो पॉलिटेक कोर्स हो गया तो वो भी 12th के स्थान पर भर सकता फॉर्म, लेकिन कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए या कंप्यूटर की उसकी ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है, ये बात आती है। अब बात आती है और इसका फार्म भरते समय क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है, तो जब फीस काट रही है तो उस टाइम फीस कटने के बाद आता है सेंड अवे और गो बैक, तो आपने गो बैक पे क्लिक नहीं करना, सेंड अवे पे क्लिक करना है, ठीक है, उसके बाद फीस कट जाएगा, फीस कट जाता है, खाते से पैसे कट जाते हैं लेकिन सो नहीं होती, कई बार क्या फीस कट जाती है बच्चे चेक नहीं करते, उसको रीप्रिंट लीजिए, दोबारा प्रिंट लीजिए आपका एप्लीकेशन नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। किसी को ज्यादा ही परेशानी हो रही है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी है, मुझे टेलीग्राम पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भेज सकता है, साथ में क्या समस्या वो लिख सकता ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। अब फार्म भरते समय आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, उसकी डिटेल आपने डालनी है, कई बच्चे बिना डिप्लोमा फार्म भर देते हैं, उनको ये ही नहीं पता कि वहां पर डिप्लोमा भी चाहिए, तो ये 12th प्लस डिप्लोमा आपके पास होना ही होना चाहिए अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर लगना चाहते हैं हार्टोन के अंदर, ठीक है, जो आपकी टाइपिंग स्पीड है, जो एक्सपीरियंस है, वो सब फार्म में डालो, मेंशन करो ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। जो मेल आईडी है, मोबाइल नंबर, वो सही से डालो, नाम अच्छे से डालो, फादर नेम अच्छे से डालो। कई भाइयों को ये पता नहीं कि जब फार्म भर रहे हैं वहां पर, जैसे कभी मैरिड होती लड़की, शादी हो जाती है, अपने पति के घर चली जाती है, वो फार्म भरती है तो वो आधार कार्ड का उठा के उसके पति का नाम वहां पे डाल देती है। जब भी कहीं भी आप फार्म भर रहे होते हैं तो आपका 10वीं की डीएमसी पे जो फादर नेम है वही आपने चलाना है, कहीं भी आप एडमिशन ले रहे हो तो आपका 10वीं की डीएमसी पे फादर नेम वही चलाना है, पति का नाम वहां पे आपने नहीं डालना है। पति का नाम आप डाल सकते हो ओनली आपकी आईडी के ऊपर, क्योंकि आपका एड्रेस वो हो चुका है, लेकिन जो स्टडी का है वहां पर आपके फादर नेम का ही चलेगा, किसी फार्म में भी आपके फादर का नाम ही चलेगा। इन चीजों को ध्यान से आपने देखना है, फार्म में गलती नहीं करनी है, तो फार्म को ध्यान से भरना आपने, ठीक है, कोई भी गलती नहीं करनी है। दो जगह की भर्तियां हैं, फतेहाबाद और पंचकुला। पंचकुला में अगर पास होगा टेस्ट तो आपकी पंचकुला चंडीगढ़ दोनों जगह पे आएगी, और फतेहाबाद में टेस्ट पास करोगे तो आपकी फतेहाबाद जिले में आएगी। आपके दो एग्जाम सेंटर, एक अंबाला है, एक गुरुग्राम है, जो भी मर्जी आप सेंटर चूज कर सकते हो जो आपके नजदीक पड़ता है। आप दो फार्म भर सकते हो, एक फार्म भर सकता है। कई बच्चों की क्वारी आती, सर मैं ओबीसी में हूं, क्या मैं जनरल में भी भर दूं, ओबीसी में भर दूं एक जगह का फार्म, ऐसा मत करो। आप जिस कैटेगरी में आते हो उसी कैटेगरी में आप फार्म भरो। अगर आप जनरल में जाने की इच्छुक हैं तो आप अच्छे से तैयारी करो, आपका मेरिट में नाम आएगा, मेरिट में कंपटीशन करोगे तो आपका जनरल में ही रिजल्ट आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। आपकी फीस कम लग रही है तो आपकी श्रेणी में ये फार्म भरो, अच्छे से तैयारी करो। कई बच्चे कहते हैं सर हमारे में तो दो ही पोस्टें हैं, हम क्या जनरल में फार्म भर दें, दो पोस्टें हैं तुम्हारे वहां पे, नंबर भी कम है, कंपटीशन भी कम है। अगर आप स्पीड ज्यादा, आपकी नंबर अच्छे आते हैं तो आप तैयारी करो, जनरल में अपने आप आ जाओगे आप, ठीक है। ये तो हो गया आपका फार्म भरने का प्रोसेस, क्या क्या आपने गलतियां नहीं करने। किसी भाई का फार्म गलत हो जाता है, नाम गलत हो जाता है, मेल आईडी गलत डल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, एग्जाम दे लो, उसके बाद मेरे से संपर्क करना, ठीक है, दोबारा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, तैयारी करो, बिंदास तैयारी करनी है। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, महीना डेढ़ महीना आपको मिल रहा भी तैयारी का, हो सकता है आपको अक्टूबर में पहले सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तैयारी करो, यानी कि आस है आपकी 15 तारीख के बाद ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे। एग्जाम होगा अल्फाबेट के हिसाब से, आपने दो फार्म भरे हैं पंचकुला फरीदाबाद, दोनों का एक दिन एग्जाम नहीं होगा, अलग अलग दिन होगा, एग्जाम 15-20 दिन चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, छुट्टी वाले दिन सैटरडे संडे कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। सैलरी क्या है, 18,000 प्लस 1,000 मेडिकल, 19,000 आपको सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, लेकिन सैलरी बढ़ेगी, अभी फाइल जारी है, गई हुई है, आपकी सैलरी 23,000-23,500 हो जाएगी सैलरी जब आपका ज्वाइनिंग होगा,
ठीक है। अब बात आते हैं अपने फार्म भर दिया, आपका एडमिट कार्ड आ गया, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो फार्म भर रहे हो उसको आपने संभाल कर रखना है क्योंकि उसको एग्जाम टाइम आपने लेकर जाना होगा हार्टन के अंदर, ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड, अब वहां पर आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका डिप्लोमा देखेंगे, डिप्लोमा देख सकते हैं जरूरी नहीं है, लेकिन आईडी कार्ड देखेंगे, आपका एडमिट कार्ड देखेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे, फिर आपको एग्जाम भी हॉल में बिठा देंगे। वहां पर आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन 30 नंबर का, 30% आएंगे कंप्यूटर के ही आएंगे, ओनली इंग्लिश में ही आएंगे। 30 में से 15 नंबर लेने हैं 15 मिनट में, आपको जनरल को 15 लेने हैं, अदर छूट प्राप्त कैटेगरी को लेने हैं 14 नंबर। जैसे आप पास हो जाते हैं आपका लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन आप पास हो चुके हो भाई, इनके बधाई आपको एग्जाम क्वालिफाई, तो फिर आपका टाइपिंग होगा उसी टाइम। टाइपिंग में आपको 5 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपने लिखना है, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट आपने लिखना है। और जैसे आप लिखते हो, ठीक है, और आप एक पेज देंगे, जैसे एक A4 का पेज देंगे, डिस्क्रिप्शन में टाइपिंग नोट्स है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइपिंग नोट्स, टाइपिंग सॉफ्टवेयर सब कुछ मिल जाएगा, कैसे मोबाइल में कीबोर्ड लगाते हैं, बहुत से बच्चों के पास टाइम नहीं होता, लैपटॉप नहीं है, सेंटर पर जाने के पैसे नहीं है, तो कीबोर्ड्स लगाकर कंप्यूटर अपने मोबाइल पे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कैसे करना, आपने आपके फोन में एमएस वर्ड इंस्टॉल कर लो या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, और वहाँ पर नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको वैसे ही मिलेगा सब कुछ, जो पैटर्न है ऐसे ही मिलेगा, वो नोट्स कर लोगे टाइपिंग के तो फेल नहीं होगे। आपको एक पेज देंगे, वहाँ पर पेज देख के आपने टाइप करना, वहाँ पर टाइमर लगा होगा, स्टार्ट पे क्लिक कर दे, 5 मिनट आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो हैंडीकैप भाई है हमारे, उनके लिए ज़्यादा फायदा है, वहाँ पर उनको मिलती है 10 मिनट, 10 मिनट में आपको टाइप करना होता है, जितना पैराग्राफ आप टाइप करो, अगर 5 मिनट से पहले आपका पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाता है, मान लो आपने 4 मिनट में पैरा कंप्लीट कर दिया, आपके पास 1 मिनट बच गया, तो आपको हार्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो एग्जाम है भर्ती है उसके अंदर आप दोबारा से भी टाइप कर सकते हो, दोबारा से टाइप करना होगा अगर आपके पास टाइम बचा है, क्योंकि आपका मेरिट में नाम जाना है इस बात का। ये ओनली डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, हार्टन के अंदर जो भर्ती आई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की, उसको लेकर जो पंचकुला और फतेहाबाद की भर्तियाँ हैं, ठीक है, दोबारा टाइप कर सकते हैं आप। और अगर आपकी 30 की स्पीड निकल आती है तो वहाँ पे आएगा आपका 2B चेक लिखा आएगा 5 मिनट होते ही, अगर आपकी 30 से कम स्पीड आती है तो आपको डिस्क्वालीफाइड लिखा आएगा और आपको तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे ही अगर ऑनलाइन एग्जाम में आप फेल हो जाते हो तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, टाइपिंग में बैठने का मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझे आशा कर रहा हूँ आप पर, क्या आशा है मुझे आप पर, आप मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे, फॉलो भी करोगे रूल, जो फॉलो करेगा सभी पास हो जाएगा बच्चा, लिखवा लो मेरे से गारंटी, क्योंकि आप बिंदा यूट्यूब पे देखो कहीं गूगल में सर्च मारते हो उसमें पजल हो जाते हो। मैं कह रहा हूँ भाई 30 नंबर का एग्जाम, एक भाई कमेंट में कह रहा है सर आप तो 30 नंबर का कह रहे हो, गूगल में 100 नंबर का दिखा रहा है, कोई कह रहा है सर जीके दिखा रहा है, भाई मैं जो बता रहा हूँ उसको करो आप विश्वास करें। प्लेलिस्ट है काफ़ी सारी वीडियो हमारी पुरानी है, पुरानी से पुरानी वीडियो आप उनको भी देख सकते हो, बच्चे लगे हुए हैं ऐसी बात नहीं है, और कुछ ओल्ड बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं दोबारा से क्योंकि उनका मेरिट में नाम नहीं आया, किसी का डिस्ट्रिक्ट दूर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट पास हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका डिप्लोमा मांगेंगे 10वीं 12वीं ये चीज़ें मांगेंगे, 12th में 4 नंबर नहीं है तो आपके फिर आपका ग्रेजुएशन मांगेंगे, आपको फोटोकॉपी से भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने, अगर उस समय आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, आपको 1-2 दिन का टाइम वो दे सकते हैं, अन्यथा आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो आपका एग्जाम कैंसिल है, आपको 1 दिन का टाइम दे दे, 2 का दे दे, कैंसिल भी कर सकते हो उसी टाइम भी, तो इसलिए कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है, या आपके पास कंप्यूटर की डिग्री हो, BCA, MSc, MCA जो भी है कंप्यूटर से जुड़ा हो, PhD चाहिए हो, ये होना चाहिए मेरे भाई। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों पे मेरिट बनता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होता है। फाइनल लिस्ट में 115 फतेहाबाद के बच्चे आएंगे और 100 पंचकुला वाले के नाम आएंगे, पंचकुला की अलग लिस्ट लगेगी 100 बच्चों की और फतेहाबाद की अलग लगेगी, ठीक है, जो टॉप करेंगे उन्हीं का नाम आएगा, टाइपिंग प्लस क्वेश्चन जो 30 नंबर होते हैं उनमें से जो आप लोगे। पास होने के लिए आपको 750 टॉप दबाना, टाइपिंग की बात का ध्यान करें, एक पेज देंगे, पेज से देख के लिखना है, डिस्क्रिप्शन में टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी है, टाइपिंग नोट्स भी है, हाउ टू इंस्टॉल हार्टन टाइपिंग सॉफ्टवेयर, यूट्यूब में ऐसा लिखो तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और भी कुछ भी क्वेरी आपको बताओ, कई बच्चे कहते हैं सर आपने ये बता दिया क्वेश्चन में लेकिन गूगल में ये दिखा रहा है, हमारी बुक में ये है, मैं कह रहा हूँ जो लकीर खींच दी ना मैंने बोल दिया आपको वहाँ पर ये चीज़ मिलने वाली एज इट इज, इससे बाहर आपको कुछ नहीं जाने वाला, लिखवा लो मेरे से भाई, दलालों से दूर रहना है, किसी को पैसे नहीं देने हैं, किसी के तलवे नहीं चाटने, मेहनत करो बस,
कोई कहता ना मैं खब्बी गाँव में सिफारिश लग जाऊंगा, चोर लगा लेना भाई। हार्टनिक प्रत्यक्ष सस्ता है, आप भी सहयोग करें और किसी के ऊपर भरोसा नहीं करें। आप कोई मंत्री के पास जाओ, चहेते के पास जाओ, अपना रोल नंबर दे दो, एग्जाम दे, हम काम करवा देंगे, भूल जाओ भाई, कुछ नहीं है ऐसा। हार्टून ये कैसे सस्ता है, जहां पर मैं जिस दिन यहां पर सिफारिश चलना शुरू हो जाएगी ना, मैं वीडियो बनाने छोड़ दूँ उस चीज़ की। आपको पता है मैं ज़्यादा वीडियो उसी की बनाता हूँ जहाँ पर सिफारिश नहीं लगती है। बच्चे लगते हैं अपने भाई यूट्यूब से देख देख के तैयारी करके लगते हैं। पूरे भारत के अंदर कई ऐसी संस्थाएँ हैं अलग अलग राज्य में, डाटा एंड ऑपरेटर की स्पेशल, ठीक है। अभी नालिट में 21 तारीख से इंटरव्यू शुरू है, बच्चे वहाँ भी जाएंगे डायरेक्ट। शिमला के अंदर इंटरव्यू है, जो बच्चा जाना चाहता है नालिट शिमला में वहाँ भी जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचर टेलीग्राम ग्रुप में मैंने PDF डाल दी है, जो जो भर्ती है वो डाल दिया है। बाकी अब हार्टून का मुद्दा है, हार्टून की तैयारी करो। बच्चे कहते सर एक्सेल में इतने रो है, इतने कॉलम दिखा रहा है, आप इतने बता रहे हो। मैं कहता हूँ जो है कर लो, मैं बता रहा हूँ। किसी क्वेश्चन पर आपको सवाल है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सर यहाँ पे मैं डाउट है, तो मैं लिख दूंगा यस ओके है, ये टेंशन ना लो। किसी में मैं देखूंगा हाँ भाई गलत हो गया मेरे, क्योंकि टाइपिंग में कई बार गलत हो जाती है, मैं बोल देता हूँ वही जो लिखा है, कि उस टाइम मुझे होता है वीडियो बनाना ही बनाना है, टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा जरूर गया है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने इस वीडियो को देखा है वो फेल नहीं होगा। लास्ट में तुक्का ट्रिक देंगे, गैस क्वेश्चन देंगे। जो कहता सर मेरे तो क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ते, इंग्लिश आती नहीं, मैं फेंक दो साइड में किताब को, टाइपिंग करो बिंदास। देखो ऑनलाइन टेस्ट में एक तुक्का ट्रिक देते हैं, वो तुक्का आपका लग गया तो टाइपिंग तो आपके हाथ की बात है ना। आपको एक से लेकर 10 तक की गिनती आनी चाहिए, ए से लेकर जेड तक, ABCD देख के लिखना है। कीबोर्ड में देखो, स्क्रीन पे देखो, पेज में देखो, जो क्वेश्चन पेपर है कहीं भी देखो भाई। इससे अच्छा यूट्यूब आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, लिखवा लो मेरे से, ठीक है। अब तैयारी आपने करनी है और हर संडे टेस्ट होगा आपका। कमेंट करें कौन कौन टेस्ट देना चाहते हैं, हर संडे टेस्ट लेंगे ऑनलाइन। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराएं।